जंक्शन रेलवे स्टेशन का अपडेट लेने आया हूँ मैं। सामने देख सकते हैं फुट ओवर ब्रिज का काम जो है वो तेज़ी से किया जा रहा है और सीढ़ी भी बना ली गई है। प्लेटफॉर्म एक नंबर पर जो अभी ट्रैक नहीं डाला गया था तो उस पर भी ट्रैक डाल लिए गए हैं, देख सकते हैं पूरा आगे तक डाल लिए गए। अभी इस पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ है। इंदारा जंक्शन पर कुल 5 प्लेटफॉर्म होंगे और इसकी जो यार्ड है भटनी और बलिया की तरफ से वहाँ से भी आप लोगों को पूरा व्यू दिखाएंगे, देखेंगे कितना यार्ड पर काम हो गया है। और इस पर फिलहाल प्लेटफॉर्म 1 और 2 के बीच में ये काम हो रहा है। प्लेटफॉर्म 2 और 1 पर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ है और आप लोगों को इंदारा दोरीघाट का भी अपडेट दूंगा इलेक्ट्रिफिकेशन का। प्लेटफॉर्म 2 पर ट्रैक पड़ गए हैं, 1 और 2 पर भी, और 3, 4, 5 पर भी पहले से ट्रैक थे। ये पेशाब घर प्लेटफॉर्म 1 और 2 पर जो नए प्लेटफॉर्म है वो इस पर देखिए छोटे से 3 सेट बनाए जा रहे हैं। अब इस पर 3 डालने बाकी है, एंगल खड़े कर लिए गए हैं, लोहे के एंगल जो होते हैं ये खड़े कर लेंगे। अभी बस यही एक ही लगा हुआ है इस पर, आगे भी लगेंगे इस पर। हम अभी आ चुके हैं भटनी जंक्शन की तरफ, यानी इंदारा के यार्ड में हूँ मैं और यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा काम हो रहा है। यार्ड की लंबाई जो है आगे भी बढ़ाई जा रही है, ज़ूम करके आप सभी को दिखा रहा हूँ। और भी आगे चल कर आप सभी को वीडियो देखने को पता चलेगा कितना कार्य क्या बाकी है, कितना कार्य हो गया है। अब इस पर ट्रैक डालना बाकी है, लेकिन ये देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन का पोल बीच में पड़ रहा है। काफ़ी बड़ा यार्ड रहेगा इंदारा जंक्शन का। इस यहाँ पे अभी इस साइड में और भी ट्रैक डालने जाएंगे। इस साइड में जो ये वाला लाइन है ये बलिया की तरफ से जो जितनी ट्रेन आएगी वो 1 नंबर 2 नंबर पर भी जा सकें। और ये आपका सामने भटनी की तरफ के ट्रैक जाएगा सामने, और हो सकता है कि फरवरी के महीने में इंदारा से क्रीड़ापुर डबलिंग का CRS भी हो ब्लॉक लिए जाए। अभी काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है इसका यार्ड में काम होना। यहाँ पे पहले कोई भी ट्रैक नहीं हुआ करता था, ये सामने जितने भी ट्रैक हैं यहाँ पे जो पुरानी वाली लाइन है ये भटनी की तरफ सीधे चली जाती है
और ये नया ट्रैक है, दो लाइनें बिछाई गई हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन में भी काम होना है इंदारा आउटर पर। आगे चल के दिखाएंगे बलिया के साइड में कितना काम हुआ है यार्ड के लिए। यहाँ पर जा सकते हैं, यहीं से जो ट्रैक है ये सीधे आपको चला जाएगा भटनी की तरफ और गोरखपुर तरफ। ये वाला जो साइड की ट्रैक जा रहे हैं, जो लाइनें जा रही है, वो चली जाएगी बलिया की तरफ। आगे इधर भी देख सकते हैं ये ट्रैक डाले गए हैं बलिया की तरफ भी, जो प्लेटफार्म 3, 4 और 5 को कनेक्ट करेगी। तो काफ़ी बड़ा होने वाला है इंदारा जंक्शन का यार्ड। अब वीडियो में पूरा बने रहिए, देखिए इसका अपडेट इंदारा यार्ड का। और अभी स्टेशन का भी अपडेट निकालना है प्लेटफॉर्म 4 और 5 की तरफ से। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मजदूर काम कर रहे हैं, जो स्लीपर को सेट कर रहे हैं। मैं हूँ अभी भटनी लाइन पर। यहाँ पर ट्रैक 2 डाले गए हैं और ये बलिया की दिशा में जो है वो ट्रैक को डाला गया है। वहाँ पर देख सकते हैं मजदूर काम कर रहे हैं। अब चलते हैं स्टेशन की तरफ। अब मैं आ गया प्लेटफॉर्म 5 पर। देख सकते हैं इस पर जो मिट्टी पाटने का काम है वो किया जा रहा है, और आगे इस मिट्टी पाटने का काम भी कर लिया गया है इस पर। और ये माल गोदाम के लिए ट्रैक रहेंगी वहाँ पर। तो कह सकते हैं यहाँ पर कुल 5 से 6 प्लेटफॉर्म होने वाले हैं इंदारा जंक्शन पर। एक माल गोदाम के लिए भी होना चाहिए, यहाँ पर कोयला उतारा जाता है। इसे अभी मिट्टी को जो है वो ये रहेगी आपकी माल गोदाम के लिए ट्रैक। और चलते हैं ऊपर प्लेटफॉर्म पर, देखते हैं कितना काम हो रहा है, कितना काम बाकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पीने के पानी के लिए टंकी बनाई लगाई जा रही है।
प्लेटफॉर्म 5 पर काफ़ी ज़्यादा काम हो गया है। बस ये जो बेस में जो गड्ढे खोजे गए हैं, ये इसमें पाइप डाला जा रहा है जो पेशाब घर के लिए, और पीने के पानी की टंकी जो बनाई जा रही है उसके, और सामने वो प्लेटफॉर्म संख्या पुराना वाला 2 है, वो बाद में प्लेटफॉर्म 4 हो जाएगा। ये 5 और ये 6 जो माल गोदाम के लिए रहेंगे। और यहाँ पर खड़ी हुई है मशीन जो स्लीपर और इलेक्ट्रिफिकेशन के सामान पोल से लेकर खड़ी हुई है डीजल इंजन के साथ। ये है पेशाब घर, जो आपका पेशाब घर रह गया प्लेटफॉर्म 5 पर। एक ही अभी यहाँ पर है, आगे चल के देखते हैं एक और है या नहीं है। कम से कम 2 से 3 होना चाहिए सही प्लेटफॉर्म वो पेशाब के लिए, ताकि किसी को दिक्कत ना हो इधर उधर जाने में। यह डीजल इंजन है इज्जत नगर लोको सेट का। यहाँ पर जो बेस बनाया गया ये है टीन सेट के लिए, टीन सेट यहाँ पर लगाए जाएंगे इसके बीच में। प्लेटफॉर्म 5 के लिए सीढ़ी भी बना ली गई है, और ऊपर जो मजदूर देख रहे हैं सामने उस पर ढलाई का काम किया जा रहा है।